फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आप और मैं सॉल्व कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 12 की मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13 हम सॉल्व करने वाले हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 - x2। देखने में तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है, पर बड़ा आसान है अगर हम x की जगह साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करें। तो देखिए क्या होगा, साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 - sin²θ। साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा प्लस साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 - sin²। आपको मालूम होगा 1 - sin² इज cos²θ एंड स्क्वायर रूट गया तो cos θ इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन इनवर्स cos θ को आप लिख सकते हैं sin π/2 - θ। साइन इनवर्स साइन हट जाएंगे, थीटा प्लस π/2 - θ, थीटा थीटा गेट कैंसिल। तो दोस्तों y का वैल्यू आया है π/2, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ddx ऑफ y मींस ddx ऑफ π/2 एंड π/2 बीइंग अ कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन π/2 का 0 होगा। तो ये देखा आपने क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन, बड़ा ही आसान और शानदार था, सरल भी था। इसी तरीके से एक क्वेश्चन इनवर्स पे बेस्ड इसी एक्सरसाइज पर मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक और है, क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2x+7। x की वैल्यू भी दी हुई है कि x की वैल्यू -2 से 2 तक है, लेकिन इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करें dy/dx यूजिंग कोशेंट रूल। कोशेंट रूल से डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो √2x+7 का स्क्वायर, और ज्यादा मैनिपुलेशन भी नहीं है इसमें, आसान सा क्वेश्चन है। 2x+7 √2x+7, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव होगा -1/√1 - x/2² इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x/2 विच इज 1/2 माइनस कॉस इनवर्स x/2 कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ रूट, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ रूट इज 1/√2x+7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x+7 इज 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, यहां आप थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसे एलसीएम भी ले सकते हैं। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो √2x+7 इंटू √2x+7 बन जाएगा 2x+7 -1, यहां लिख सकते हैं आप, अपॉन में 1 - x²/4 √1 - x²/4 इंटू 1/2 भी है, तो 2 आप इधर ट्रांसफर कर दें इज इक्वल टू, और ये देखिए माइनस कॉस इनवर्स x/2, और हमने क्योंकि एलसीएम ले लिया है तो ये √2x+7 नीचे आ जाएगा, तो √2x+7 का स्क्वायर है, 1 √2x+7 और आ गया, तो ये हो जाएगा आपके पास √2x+7 होल क्यूब। अब थोड़ा सिंप्लीफाई इसे और कर दें, चाहे तो आप ये एलसीएम लेके भी यहां भेज दें, और इसका भी अंदर भी एलसीएम ले सकते हैं। तो देखिए अंदर अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो क्या होगा, अगर आप अंदर एलसीएम ले लें तो देखिए क्या बनेगा, -2x+7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 - x² अपॉन 4 स्क्वायर रूट के अंदर, और बाहर है 2,
ये 2 इस स्क्वायर रूट 4 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स x बाय 2 डिवाइडेड बाय रूट 2x+7 क्यूब, जिसे आप ऐसा भी लिख सकते हो रूट 2x+7 स्क्वायर इंटू रूट 2x+7। अब अगर आप एलसीएम और लेते हैं यहां भी, तो ये होगा माइनस 2x+7 माइनस ये रूट 4 माइनस x स्क्वायर, यहां जाएगा रूट 4 माइनस x स्क्वायर कॉस इनवर्स x बाय 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4 माइनस x स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर हट जाएगा, 2x+7 रहेगा सिंपली, और ये बन जाएगा रूट 2x+7। तो ये इसी तरह का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, जो इनवर्स के फंक्शन का डेरिवेटिव था। तो आपने देखा बड़ा आसान सा सवाल है और हमने कितने इजीली इसको डिफरेंशिएट किया। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए, अगर आपको कुछ इमीडिएट रिस्पांस चाहिए हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 9685698056। इसी के साथ आपको ऑल द बेस्ट।